भोपाल में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने दी रिमार्केबल कप फुटसल टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान सीईडी और प्रो चांसलर गौरव तिवारी ने कहा कि इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य खेल के साथ साथ हेल्दी लाइफ और समाज में सकारात्मक ऊर्जा को प्रमोट करना है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी लगातार छात्रों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए आयोजन करता आया है। इसी के तहत एक बार फिर भोपाल के मानसरोवर स्कूल में दी रिमार्केबल कप फुटसल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मानसरोवर ग्रुप के सीईडी गौरव तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में वाइस चांसलर अरुण कुमार पांडे और रजिस्ट्रार एचआर रोहिल मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट में टॉप मोस्ट 10 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान मानसरोवर ग्रुप के सीईडी और प्रो चांसलर गौरव तिवारी ने बताया कि यह खेल फुटबॉल की तरह होता है, लेकिन यह फुटसल टूर्नामेंट इंटरनेशनल फॉर्मेट में है। यह 7 vs 7 का टूर्नामेंट है, जिसमें भोपाल की टीमों ने भाग लिया है। इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस खेल से छात्रों में सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। यह टूर्नामेंट 30 जनवरी से ग्रीन टर्फ में दूधिया रोशनी में खेला जा रहा है। रिमार्केबल कप के नाम से इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ये फुटबॉल नहीं, एक्चुअली फुटसल टूर्नामेंट है। फुटसल एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है, जिसमें 5 vs 5 या 6 vs 6 या 7 vs 7 प्लेयर्स की टीमों के बीच में यह टूर्नामेंट होता है। ये 7 vs 7 का टूर्नामेंट है। इसमें 10 टीमों ने भोपाल की पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि ओपन टूर्नामेंट है, तो कोई भी टीम किसी भी एज ग्रुप के प्लेयर्स इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसलिए 16 से लेके 30 साल तक के प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 10 टीमें हैं और 51,000 रुपये की मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तरफ से इस टूर्नामेंट के विनर को प्राइज मनी रखी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम फुटबॉल को, हेल्दी लाइफस्टाइल को और एक सकारात्मक ऊर्जा को प्रमोट कर पाएंगे। फुटसल टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर आए मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अरुण कुमार पांडे ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि सेंट्रल इंडिया में फुटबॉल के साथ साथ फुटसल को भी बढ़ावा मिले। उन्होंने बताया कि यह फुटसल का फॉर्मेट मध्य भारत के लिए नया है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी साल भर इस तरह के छात्रों के विकास के लिए आयोजन करता रहता है। इस दौरान टूर्नामेंट को लेकर टीम काफ़ी उत्साहित नजर आई। दर्शकों ने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया। आज मानसरोवर के इस प्रांगण में रिमार्केबल कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। विगत दिनों नवंबर के माह में पहला फुटसल का ये टूर्नामेंट हुआ था, और उसके बाद 2 महीने के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि भोपाल में या इसके आसपास के क्षेत्रों में, सेंट्रल इंडिया में, हम फुटबॉल के साथ साथ फुटसल को भी बढ़ावा दें, क्योंकि वैसे तो फुटबॉल बड़े मैदान में खेला जाता है, लेकिन ये फुटसल की जो एक नई सोच है वो भोपाल के लिए भी नई है, मध्य भारत के लिए भी नई है। और इस की परिकल्पना हमारे मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर इंजीनियर गौरव तिवारी ने किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।